ओ भाई गाइस डर नहीं लगता, थोड़ा शुरू तो कर लेता वीडियो अभी खोल देते हैं तुरंत। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास ना ये भाई बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब स्पेशल सा फ़ोन है। इसके अंदर मेरे पास जैसे ही आया ना तो मैंने थोड़ा सा ओपन किया, मैं कहा नहीं यार इसको ना कैमरे पे ओपन करेंगे। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में शॉपक्लूज से कुछ भी नहीं मंगाया, ये फ़ोन मिला ही वहीं पे, सर्च किया मिल गया तो मैंने ऑर्डर कर दिया। आप में से किसी ने अगर इससे कुछ भी ऑर्डर किया ऐसी एक्सपीरियंस शेयर करना, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाओ इससे बाय करो, सब आपकी जिम्मेदारी के ऊपर है। उस फ़ोन का बॉक्स नहीं है जो फ़ोन मंगाया गया, और ये लिमिटेड एडिशन लिखा था भाई वहाँ पर वेबसाइट पे। भाई अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है। सारी पैकेजिंग नकली है ये, मतलब चार्जर वैसे सा दिखता है इसका, ओरिजिनल चार्जर नहीं है ये। और ये बैटरी नोकिया की याद आई किसी को, ओ भाई क्या ही बना रखा है इन्होंने बैटरी वूटरी का, देख रहे हो। ऑन तो नहीं हो रहा ये, चार्जिंग पर लगा के देखते हैं। ओ भाई कुछ ब्लिंक हुआ है, यस नोकिया 4G प्लस आ रहा है, मजाक कर रहा हूँ, बैटरी चार्ज हो रही है। किस किस को याद है नोकिया 5233, ये आया था 2010 में। मेरे पास एक आइडिया है, ये फोन बहुत पुराना है ना, तो ये मैं पार्क में हूँ, कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो थोड़े से पहले के हैं, जैसे आजकल ये हर्षित है, इसे पता नहीं इस फोन के बारे में। हर्षित को फोन ही नहीं चलाना आता, ऐसे तुम्हारे जैसे लोंडे पबजी वाले नहीं चला पाते इसको। यहाँ से सुनो, यहाँ से ये होम स्क्रीन पे जाता है, ठीक है, ठीक कहा है, और यहाँ से बटन दबाओ ये कैमरा ओपन हो जाएगा। अब ये क्योंकि फोटो क्लिक करिए तो बैक पे क्लिक करो, ऐसे लड़कों को नहीं। आपने पहला फोन नोकिया का यूज किया था, किस कंपनी का किया था? नोकिया। सबने नोकिया का। ये वाला फोन पहचानते आप? ये हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला, ये ना लगभग 10-12 साल पुराना फोन है, नोकिया के बहुत ज्यादा पुराना है। देखा था आपने अपने टाइम, मतलब याद है कि नहीं? इस्तेमाल किया था हम लोग ये वाला। अच्छा चेक करते हैं, इधर आओ लेकिन इस्तेमाल इसको चला के दिखाइए, देखते हैं अंकल को इसमें क्या चलाना आता है। भूल गए हम सब, भूल गए अब तो, वो आ गया ना वो। अभी कौन सा चला रहे हैं? अभी तो स्मार्टफोन चला रहे हैं ये वाला। हाँ सही है, अभी सब बड़े बड़े फोन ही सब लोग चला रहे होंगे। हमने ऐसे 2-3 तो दान कर दिए। थैंक यू। ओके ओके अंकल, टच करने लगी अगर वो। पहला मिशन फेल रहा दोस्तों, लेकिन दिक्कत ये भी है भाई, ये बात बहुत ही बड़ी सच्चाई है, उस टाइम सबके पास ऐसे फोन नहीं होते थे, एक सपना होता था। आज के टाइम में आप लोग मतलब सब स्मार्टफोन बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले लेके चलते हो, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 जैसा भी जिसका बजट हो। ये उस समय 5600 के आसपास आया था, और ये फोन रखना उस टाइम सच में एक अलग ही लेवल का, मतलब लोग देखते थे भाई तेरे पास कौन सा फोन है, आजकल कहाँ वैल्यू है फोन की। इस फोन में ना, और जिसको अनलॉक करने के दो तरीके, पहला प्रेस एंड स्वाइप, और दूसरा तरीका इसको बस स्लाइड करना होता है तो ये अनलॉक हो जाता है। आई एम डैम श्योर काफी सारे लोगों को नहीं पता लगेगा, रीजन ये है क्योंकि इस फोन में देखा जाए पावर बटन, फिर चार्जिंग का, फिर 3.5mm जैक, फिर ये अलग से USB है, कितना रिस्की था ये, कोई बात नहीं। उसके बाद लेफ्ट साइड बात करें तो यहाँ पर लगता है मेमोरी कार्ड, तो यहाँ लगता है सिम। अब लेकिन जब ऐसे बंद कर देते हैं ना तो पता नहीं लगता ना भाई कहाँ क्या लगने वाला है। और राइट साइड बात करें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बटन है, ये लॉक अनलॉक बटन जो मैंने आपको बताया, और ये है कैमरा बटन, और ये साथ साथ में छोटा सा स्पीकर भी है। ये ना एक, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं होता, बस इससे आप फोन को ना पूरी तरीके से मतलब ऑपरेट कर सकते हो एक तरीके से। मतलब अभी के फोन क्या है, इन पे अगर टच करते हैं ये हमारे ना स्किन से काम करते हैं, इस पत्ते से भी चला सकते हैं, पता है, इको फ्रेंडली एस पेन। आप ये सोचो उस टाइम में नोकिया ये सारी चीज़ें लेकर आया था, जो अपने आप में ही एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी बड़ी चीज़ थी। काफ़ी सारे पोर्ट्स बने हुए, कन्फ्यूजन अच्छे अच्छे को होने वाली है। ये फ़ोन अभी बटन नहीं दबाना है, नहीं पहचान रहे। अच्छा इधर आओ, कैमरा लेके कैमरे से फोटो क्लिक करना आपको अगला चैलेंज। सोचिए क्या कोई बटन वटन भी हो सकता है, कई बार पहले वाले फ़ोन में बटन आते थे ना अलग से, मैं हिंट दे दिया आपको। नहीं ये वाला से करना पड़ता। अभी कौन सा फोन चला रहे हैं? अभी तो हम लाए नहीं है, लाए नहीं है। चला रहे हैं। सही है, पार्क में फोन लेके नहीं आना चाहिए, हम ही लोग खाली हैं आज। ओके थैंक यू यार, अच्छा लगा। इसको आपको अनलॉक करना है, थोड़ा सा सोचिए, पुरानी यादें ताजा करवा रहे हम लोग अपने व्यूअर्स की। नोकिया चीज तो बहुत बढ़िया थी, ऐसी बात नहीं, पर कंपनी चल नहीं पाई, पता नहीं क्या बात है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये बटन नहीं था। चलो चलो कोई बात नहीं, पर मेरे पास इस टाइप का नहीं था उसका। ये वाला अच्छा, देखिए स्लाइड करिए नीचे। अच्छा नीचे स्लाइड करिए, अब ये खुल गया। मैं सबसे परमिशन लेके शूट कर रहा हूँ, ये बटन नहीं है। अब यही तो आपको ढूंढना है, इन्होंने तो कर दिया यार, कैमरे पे आने से पहले ही कर दिया। शाश्वत कहाँ भाग रहे हो, इधर तो आओ, इसको अनलॉक करके दिखाओ इस फोन को। सोचो, नहीं हुआ, हो तो गया अनलॉक। एकदम नॉलेजेबल आदमी हुआ, क्या किया था मुझे खुद ही यार। इंटेलिजेंट आदमी, कैमरा ओपन करना इसका। कैमरा कैमरा है भाई, ये खुल गया।
कैसे खुला? Yes. ये लड़का बहुत तेज है बहुत तेज भाई। दो बंदे पास हो गए हमारे टेस्ट में, तो कुछ लोगों ने लॉक कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया भाई। एक टिपिकल सा फोन लगता है लोगों को। यस, काफी एक डिफरेंस एक्सपीरियंस था। और इसमें ना यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं है इस 5233 के अंदर, लेकिन आपके फोन के अंदर तो है। आप लोग लेकिन फायदा नहीं लेते, काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट। पुराने फोन से अलग ही लगाव है भाई। ये नोकिया लुमिया 925 है, इसका वैसे मैंने एक वीडियो भी दिया था, और इसका वीडियो कभी नहीं आया था, अलग से नहीं आया था। ये ऊपर से लोग होता है, ये है ब्लैकबेरी Q10। अलग सी खुशी होती है इन फोन को अभी की डेट में एक्सपीरियंस करके। शायद कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग ये नोकिया 5233 की। अब जैसे इस फोन को देखो आप, इसके अंदर सिम्बियन OS मिलता है, 3.2 इंच की एक TFT डिस्प्ले है, 360x640 पिक्सल्स, मतलब HD तो दूर की बात है, उससे भी कहीं ज्यादा कम डिस्प्ले क्वालिटी। और इसको टच करना मतलब थोड़ा मेहनत का काम है। इसका टच जो है ना वो थोड़ा स्लो काम करता है, पहले टच ऐसे आते थे, इसी में जिंदगी के मजे ले लेते थे हम लोग उस टाइम तो कुछ ऐसा सा है। अभी मैं सेल्फी कैमरा चेक कराता हूँ इसका, आपको सेल्फी कैमरा नहीं है इसमें, लेकिन भाई इसके अंदर एज पैनल है, UI यहीं से उठाया था क्या? Samsung भी लाइक हमारी इन्वेंशन की वैल्यू नहीं है। ये ना यहाँ से आता है, ये अलग से एरो बना ना छोटा सा, यहाँ टच करो तो ये वाला पैनल बार आता है। गैलरी, शॉर्टकट्स होते हैं, वीडियो, इवन इंटरनेट भी चला सकते हैं 2G। इनके अंदर एक चीज़ है, कोई मतलब ऐसे ऑटो फोकस का पॉइंट नहीं होता था, बस सिंपली पॉइंट एंड शूट। मैं भूल गया था, पता बहुत टाइम हो गया ना इसको यूज़ किए। और इस 2 मेगापिक्सल की मेरे पास ये पुरानी फोटो पड़ी है अपने टाइम की, ये इसी फोन से क्लिक की गई फोटो है भाई साहब। बहुत तगड़ा होता था उस टाइम कैमरा, आपको पता नहीं ऐसा क्या लगेगा जो भी आज की डेट में। अब देखोगे इसकी फोटोज तो इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, जाहिर सी बात है। और सपना होता था काफी सारे लोगों का ये फोन बाय करना। इसके जैसा एक और फोन दिखता था नोकिया 5800, वो महंगा था, पुराना सिम्बियन OS है, बाद में ये भी इम्प्रूव हो गया था सिम्बियन OS थोड़ा थोड़ा, जैसे कि नोकिया N8 आया था, नोकिया C7 आया था, इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया कि एंड्रॉइड को मुकाबला कर पाया। और नोकिया के डूबने का सबसे बड़ा रीजन भी एंड्रॉइड था, अभी HMD ग्लोबल है, बाकी मेमोरी कार्ड वगैरह तो लगता ही है। रैम इसके अंदर 128 GB, 128 GB नहीं कहा मैंने वही 128 MB रैम स्टोरेज, लेकिन काफी ज्यादा थी, वो थी 70 MB। जी हाँ, कुछ ऐसा सा कॉम्बिनेशन आता था, मेमोरी कार्ड लगता था उस टाइम। मतलब रैम, रोम, प्रोसेसर, इन सब चीजों पे जोर नहीं दिया जाता था, जो था सबसे ज्यादा ब्रांडिंग होती थी। लेकिन 2010 वर्सेस 2013 में जितना तेज चेंज आया था, उतना अभी नहीं आ रहा भाई। कहाँ इसका टच, कहाँ ये भाई, बड़ा मुश्किल होता है इसको यूज करना। इससे कंपेयर करोगे तो पूरी स्मार्टफोन की दुनिया चेंज हो गई है, इससे कंपेयर करोगे तो काफी कुछ चेंज हुआ है, बट यस इतना नहीं जितना इसके कंपैरिजन पे लगता है। आई होप आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी कुछ लोगों की, और जो लड़के लेटेस्ट है भाई यंग जनरेशन के, उनकी नई यादें बनी होंगी इस फोन के साथ। और इतना ही था आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।